अच्छा शाइस्ता एक्टिंग, सीरियसली बताएं ना, मजा आ रहा है एक्टिंग करने में आपको? हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर कौन आपको लगता है कि सबसे अच्छा को स्टार आपको मिला या को एक्टर आपको मिला जिसके साथ बहुत ज्यादा नेचुरली काम हो गया? फैसल, फैसल कुरैशी साहब। क्या बात है फैसल भाई, वाह। नो डाउट फैसल भाई जैसे एक्टर जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत कम पैदा होते हैं। रिसेंटली अभी आपने एक और ड्रामा किया जो कि सरमत के साथ आपने ड्रामा किया था, आई रियली लव दैट ड्रामा। मरीना ने उसको डायरेक्ट किया था, मैंने मरीना को भी कॉल किया और मैंने कहा क्या आपने खूबसूरत ड्रामा बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सेट पे। हाउ वाज वर्किंग विद मरीना, सच अ लेजेंड। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब इतना रियल काम कि नहीं आपने मेकअप नहीं करना, ये ऐसा है तो बस ऐसे ही रहना है, कोई कुछ जो उस कैरेक्टर का डिमांड है वो वहाँ रहेगा वैसे ही रहेगा, उसको कोई आपको अपनी तरफ से इसमें ब्रश अप करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा काम। तो और सरमद के साथ मैं काम करते हुए इतनी कोई खौफजदा थी कि यार सरमद भाई एक्टर आप लेजेंड देखें कहाँ सरमद का मैं मतलब नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे दोनों ने कंफर्टेबल किया, वो काम जो भी निकला वो उन दोनों की वजह से निकला। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात। वैसे उसमें शेख साहब भी है ना, जिसमें मैं अब काम कर रही हूँ, उसमें शेख सुना है वो बहुत सीरियस ले लेते हैं कैरेक्टर को अपने। शेख साहब शादी वाले कैरेक्टर को सीरियस ले लेते हैं वो। तभी तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वैसे शेख साहब, मेरा जिंदगी में जो बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ काम करने में, शेख साहब इज ऑन द टॉप। उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छे, मजेदार को स्टार, इतनी पॉजिटिविटी होती है उनके साथ। सेट पे हर वक्त हंसाते रहते हैं, कोई आप खामोश मतलब उदास नहीं बैठ सकता, ऐसा ही है। इतने लाइवली हैं वो जी जी। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उनके साथ काम करें। बल्कि हमने तो एक हमारा एक दिन का पूरा स्पेल था एक शूट का, जिसमें हमें गाड़ी में आउटडोर सीन्स करने थे। हम उस पूरी गाड़ी में जो हमने डिस्कस किया है वो इनकी और उनकी फिल्म, मुझे तो मैं 6 दफा देखी है तो मुझे तो उसके डायलॉग्स भी याद थे। क्या शेख साहब।